जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि 28 मार्च 2021 को राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में हुआ था। तो दोस्तों ये सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास का एग्जाम पेपर है और इस पेपर को पास करने के लिए आपको 32 मार्क्स की ज़रूरत होती है। दोस्तों ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की PDF है जो कि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से जुगाड़ करके लेकर आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट वन है यानी कि सेक्शन ए जिसमें 1 से 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे उसको मैं करा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक मैं इस वीडियो के आई बटन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको जाकर जरूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इसका सेकेंड एंड थर्ड पार्ट यानी कि सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी में दोस्तों होगा आपका रीजनिंग जिसमें 16 से 20 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में होगा आपका साइंस के क्वेश्चन जिसमें आपके 21 से 35 क्वेश्चन होंगे। दोस्तों जीडी में जो होता है वो सेक्शन बी 16 से 30 क्वेश्चन इसमें जीएस के होते हैं यानी कि साइंस के होते हैं और लेकिन ट्रेड्समैन में दोस्तों सेक्शन बी में 4 से 5 क्वेश्चन करीब सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग से होते हैं। ठीक है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पेपर के लिए मैं आपको दोनों ही लैंग्वेज में कराऊंगा, लैंग्वेज वन इंग्लिश, लैंग्वेज टू हिंदी। तो जो हिंदी नहीं जानते हैं इंग्लिश जानते हैं उनके लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। इफ फर्स्ट इज लास्ट देन पार्टनर इज टू, ठीक है यदि पहले का अंतिम है तो साथी का क्या होगा। ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर लॉजिक देखना है कि फर्स्ट का लास्ट है तो पार्टनर का क्या होगा, यानी कि अगर पहले का अंतिम है तो इसका ये विपरीत शब्द हो गया। ठीक है तो पार्टनर का क्या होगा, पार्टनर का होगा दोस्तों आपका विरोधी। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा दोस्तों आपका विरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न विकल्प चुनना है। काफी सिंपल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों यहां पर सोल्जर ट्रेड्समैन के जो एग्जाम होता है इसमें। ठीक है तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बेंगलोर, यंगून, मुंबई और दिल्ली, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से हमें भिन्न चुनना है। ठीक है मतलब ये अलग सबसे अलग इनमें से कौन सा है। ठीक है तो जैसे आप देख सकते हैं बेंगलोर, मुंबई, यंग और दिल्ली, ये तीनों कहाँ पर हैं, इंडिया में है। अब ये जो यंगून है ये भारत से बाहर है। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यंगून। ठीक है क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इफ टॉम इज 48 एंड डिक इज 27 देन व्हाट विल बी हैरी। ठीक है अगर टॉम आपका दोस्तों 48 है और डिक आपका 27 है तो हैरी का कोट जो है वो क्या होगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोट के जरिए से यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं टॉम में दोस्तों टी का कोड होता है 20, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये होते हैं 48। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं यदि टॉम का 48 है, डिक का 27 है। अब देख लीजिए डिक का, देख लीजिए आप डी का कोड होता है 4, आई का 9, सी का 3, के का 11, तो ये टोटल जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं 27। ठीक है तो ये पूछ रहे हैं दोस्तों यदि टॉम का कोड जो है वो 48 है, डिक का कोड 27 है तो हैरी का आशय क्या है। ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एच का जो कोड होता है दोस्तों वो होता है 8, ए का होता है 1, आर का होता है 18, फिर से आर है 18 और वाई का होता है 25। अब 8, 1, 18, 18, 25 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी
70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द राइट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ड्रिल अनुपात बोर हो गया, सीव का क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से सही विकल्प ज्ञात करें। ड्रिल बराबर अगर सुराग है तो छन्नी बराबर क्या होगा, क्या होगा। ड्रिल से क्या किया जाता है, कहीं पर भी सुराग किया जाता है, और छन्नी से क्या किया जाता है, छाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग से ही क्वेश्चन होगा ये, 20 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों। इनकार क्रिएशन में से निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विकल्प नहीं बन सकता है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम इनकार क्रिएशन। ठीक है, तो ये इनकार क्रिएशन जो वर्ड है, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बन सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रिलेशंस। रिलेशंस क्यों नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एस इस वर्ड में कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से आपको अगर एक पॉइंट मिल गया तो आप उसको अपना टाइम बचाएं, खराब नहीं करें, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी, रिलेशन। तो रीजनिंग के दोस्तों ये 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जो कि सोल्जर ट्रेड्समैन के पेपर में ओनली 5 ही क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेक्शन सी। ठीक है, तो सेक्शन सी में दोस्तों सामान्य विज्ञान के 21 से 35 क्वेश्चंस होंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच सोर्स। लिटमस कहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, काई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को, इस पेपर की जो पीडीएफ फाइल है, इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सिबा ऑनलाइन क्लासेस, आप सर्च भी कर सकते हैं। वहां से जाकर इस जो ये जो पेपर है, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। ए वेल कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली बिकॉज, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा अधिक चमकता है क्योंकि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अधिकतम प्रतिबिंब के कारण। ठीक है, तो एक अच्छा कटा हुआ जो हीरा होता है वो चमकता है क्योंकि अधिकतम प्रतिबिंब के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, अधिकतम प्रतिबिंब के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, ए क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट हैज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शंस हैं वो है आपके, सॉरी एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ क्योंकि कुछ हिंदी वाले बच्चे भी हमारे साथ होंगे, कुछ इंग्लिश वाले भी जुड़े हुए होंगे। ठीक है, बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको इसको कराया भी था। बादल वायुमंडल में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें डैश होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लो डेंसिटी, यानी कि कम घनत्व होता है बादलों में, इसलिए जो मेन कारण होता है कम घनत्व, इसलिए जो है वो बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हु डिस्कवर्ड एटम, एटम की खोज किसने की। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको इसको अपनी वीडियोस में कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन। ठीक है, तो एटम की जो खोज की थी वो की थी दोस्तों जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि काफी दिनों से हमारे चैनल पर दोस्तों वीडियोस नहीं हो पा रही थी अपलोड, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं डिफेंस में जॉब करता हूं, जिसके कारण मुझे टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों आज के बाद में आपके लिए जो है वो कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, और वीडियो अपलोड करने का टाइम रहेगा हमारा आज से रात को 8 बजे। ठीक है, तो 8 बजे सभी लोग ऑनलाइन आ जाया करें, जिससे आपके लिए ये जो पेपर्स हैं इसको करने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ऑप्टिकल इल्यूशन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे दृष्टि भ्रम कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसे दृष्टि भ्रम कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मृग तृष्णा। ठीक है,
तो दृष्टिभ्रम जो कहा जाता है वो कहा जाता है मृग तृष्णा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एट टेम्परेचर आर द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल आर इक्वल, ठीक है, किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी -40, ठीक है, -40 डिग्री के जो तापमान होता है इस पे दोस्तों सेल्सियस और फॉरेनहाइट जो होते हैं वो एकदम बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच गैस इज यूज्ड टू आर्टिफिशियली राइप द ग्रीन फ्रूट्स, ठीक है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन जो गैस होती है इसके लिए दोस्तों हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ रैट पॉइजन इज, ठीक है, चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है, चूहे मारने वाले जहर का रासायनिक नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जिंक फास्फाइड, ठीक है, चूहे मारने वाले जो केमिकल होता है उसका नाम होता है जिंक फास्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस पेपर को जो आप पूरा करने के बाद में अगर आप इस पेपर के जो है वो पार्ट वन देखना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि 1 से 15 तो क्वेश्चन जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे वो क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं इस पेपर का सेक्शन ए, उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉरी दोस्तों 29 होगा आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज लेटेस्ट सॉरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार मैंने आपको कराया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो दोस्तों सबसे कम अभिक्रियाशील जो धातु होती है वो होती है वैसे तो प्लेटिनम, लेकिन ये निम्नलिखित में से पूछ रहा है जहां पर दोस्तों पोटेशियम, ए जी चांदी, सी यू तांबा और ए यू जो है वो सोना होता है, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे कम अभिक्रियाशील वाली धातु है वो है दोस्तों आपकी ए यू यानी कि सोना। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलने से पहले आप सभी को बता दें दोस्तों कि आपको इस पेपर के बाद में ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसका कमेंट करके आंसर जरूर देना है, ठीक है। और अगर किसी के पास में दोस्तों आर्मी का ओरिजिनल पेपर पड़ा हुआ है, किसी भी एआरओ का, किसी भी सेंटर का, चाहे रिलेशन भर्ती हो चाहे ओपन भर्ती हो, आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस पे आकर उस पेपर की जो पीडीएफ है या फिर जो फोटोज हैं उसको शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्दी ही दोस्तों उस पेपर का सोल्यूशन भी हम लेकर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू, ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से आता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 30 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बाय वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो किस कौन से किस तक किधर से आता है, बाय वेंट्रिकल में आता है फेफड़ों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड, पृथ्वी का सूर्य के ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी होती है दोस्तों वो सूर्य के चक्कर लगाती है, आप सभी को पता है, लेकिन उस चक्कर लगाने की प्रक्रिया जो होती है उसके लिए क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेगुलेशन, ठीक है, उसके लिए कहते हैं परिक्रमा। आप सभी को पता ही है कि पृथ्वी जो है सूर्य के परिक्रमा लगाती है, हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, Why does a doctor examine the pulse of patient? ठीक है, डॉक्टर किसी मरीज के नब्ज की जो है वो जांच क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी टू चेक हार्ट रेट, ठीक है, हृदय गति जांचने के लिए जो है वो डॉक्टर किसी भी मरीज की पल्स रेट के लिए यानी कि नब्ज को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। क्वेश्चन नंबर
33 होगा आपका, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स इंटायर लाइफ, ठीक है, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन काल में कभी पानी नहीं पीता। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंगारू रैट, ठीक है, कंगारू रैट जो दोस्तों है वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी जो है वो पानी नहीं पीता है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल, ठीक है, तो जो लेड पेंसिल होती है इसमें लेड की मात्रा का अनुपात क्या होता है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो लेड पेंसिल होती है इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें लेड होता ही नहीं है, इसमें क्या होता है दोस्तों ग्रेफाइट होता है, तो इसमें यहाँ पर जो लेड की फिर परसेंटेज कितनी हो गई, जीरो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जीरो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 36 से 50 क्वेश्चन तक हम आपको कल की वीडियो में कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जो कि आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 के, तो क्वेश्चन नंबर 35 है H2SO4 इज ए, H2SO4 एक है, क्या है बताइए, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि H2SO4 जो होता क्या है, H2SO4 होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होता है दोस्तों एक आपका अम्ल, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिड यानी कि अम्ल। तो ये थे दोस्तों 35 क्वेश्चंस, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आप देख रहे थे 28 मार्च 2021 को जो सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास का पेपर हुआ था उसकी पीडीएफ फाइल, उसका जो आप पूरा सॉल्यूशन देख रहे थे पार्ट वन का। जिन्होंने दोस्तों वीडियो के लिए बाद में ज्वाइन किया उनको बता दूं कि इस पेपर का पार्ट वन मैं पहले करा चुका था, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे दोस्तों राजपूत रेजिमेंट का ओरिजिनल पेपर, यहाँ पर फर्स्ट पेज में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, इनको मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर देना जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, इस जो पेपर की पीडीएफ फाइल है इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, और दोस्तों आप इसको हम अपने टेलीग्राम पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।